नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, रात को देर में तेज बारिश पत्थर पड़ी तो राजधानी की जो तस्वीर है वो बदल गई। हम आपको दिखा रहे हैं दो तीन तस्वीर ऐसी, और ऐसे जगह पे हम मौजूद हैं, अभी सचिवालय पे मौजूद हैं। ऐसी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि जिससे आपका दिल दहल जाएगा, क्योंकि रात को ऐसा तूफान आया, पत्थर पड़ा, बारिश हुई, तो जो पटना है वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशान थे रात में। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं सचिवालय की कि किस तरह से यहाँ पे पेड़ गिरा हुआ है, दीवार गिरा हुआ है। आप नज़ारा देखिए कि किस तरह से पेड़ जो है वो गिरा हुआ है। तो देखिए, सचिवालय के पास हम मौजूद हैं, सचिवालय के ठीक बाहर हम मौजूद हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से तेज़ बारिश पत्थर पड़ने से जो पेड़ है वो किस तरह से सचिवालय के बाहर गिरी हुई है। और बस पेड़ नहीं, आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि ग्रिल को तोड़ते हुए जो पेड़ है वो बाहर आई है। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि जड़ से देखिए किस तरह से जो पेड़ है वो गिरी है। आपको यहाँ दिखा रहे हैं कि सचिवालय के अंदर का नज़ारा है, सचिवालय के अंदर का जो पेड़ है वो गिर चुका है। और यहाँ पे देखिए किस तरह का नज़ारा है। रात में आप लोग अगर जगे होंगे, जग ही गए होंगे, क्योंकि इस तरह का तूफान आया था, इस तरह से पत्थर पड़ रहा था, इस तरह से बारिश हो रही थी कि लोग बहुत परेशान हो गए थे। और देखिए सचिवालय के बाहर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरा जो रोड है वो पेड़ से भर चुका है। और देखिए किस तरह से गिरा है रात में तेज़ तूफान के आने के कारण। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत सारे जगह में, पूरे पटना में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जो गिर गए हैं। और यहाँ का नज़ारा आपको हम दिखा रहे हैं, सचिवालय के बाहर का नज़ारा, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो पेड़ है वो गिरा हुआ है। लोगों को आने जाने में दिक्कत होने शुरू हो गए हैं। और सचिवालय का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, तेज़ बारिश ने, तेज़ तूफान ने, तेज़ पत्थरबाजी ने बदल दिया राजधानी की तस्वीर। आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये देखिए सचिवालय का नज़ारा है, जहाँ पे पेड़ ग्रिल को तोड़ते हुए, दीवार को तोड़ते हुए पूरा रोड पे बिखर चुका है। अब चलते हैं दूसरी जगह पे और आपको दिखाते हैं कि तूफान ने क्या क्या नुकसान पहुंचाया है राजधानी को। देखिए सचिवालय का नज़ारा हम आपको दिखाया, फिर उस इको पार्क का नज़ारा हम आपको दिखाया, उसके बाद देखिए तेजस्वी यादव के मंत्री के आवास के बाहर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। पेड़ गिर गया भैया, रात में तूफान आया, पत्थर पड़े, तेज बारिश हुई, और उसके बाद का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। सचिवालय का हाल आपने देख लिया, इको पार्क के सामने का हाल देख लिया, अब तेजस्वी यादव के मंत्री के आवास के बाहर का नज़ारा देखिए कि किस तरह से बड़ा सा पेड़ आपको गिरा हुआ मिलेगा। लोग काम कर रहे हैं, काट रहे हैं, क्योंकि परेशानी हो रही है। मंत्री जी निकलेंगे, नीतीश कुमार निकलेंगे, सब लोग निकलेंगे तो उनको परेशानी होगी, तो काम जारी है। और देखिए ग्रिल को तोड़ते हुए आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से बड़ा सा पेड़ गिरा है। भैया छोटा पेड़ नहीं, बड़े तूफान ने नज़ारा बदल दिया है बिहार की राजधानी का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ग्रिल को तोड़ते हुए तेजस्वी यादव के मंत्री के आवास के बाहर का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पेड़ है वो बड़ा सा गिर चुका है। नज़ारा एक बार फिर से देखिए कि किस तरह से पेड़ जो गिरा है। तो आपने देख लिया इको पार्क का नज़ारा, आपने देख लिया सचिवालय का नज़ारा, आपने देख लिया कला संस्कृति मंत्री जो कि जितेंद्र कुमार राय हैं, उनके आवास के बाहर बड़ा सा पेड़ गिर गया। और अब जो हाल है वो ऐसा है, जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं वो तूफान आई थी, आपको भी मालूम होगा, सारे लोग डर चुके थे रात में, क्योंकि तेज बारिश, तूफान, पत्थर भी पड़े, लोग बहुत डर गए थे। तो देखिए पटना का जो नज़ारा है वो हम आपको दिखा दें, बिहार की राजधानी की तस्वीर जो है वो बदल चुकी है एक तूफान से। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।